जबलपुर के पनागढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत पडरी गांव में लगभग 30 लाख रुपए की लागत से बने अमृत सरोवर योजना के तालाब की दीवार बह गई। इस निर्माण के पानी में बहने के साथ ही इस निर्माण में किए गए भ्रष्टाचार की पोल भी खुलकर सामने आ गई। निर्मित किए गए तालाब में पानी को रोकने के लिए बनाई गई दीवार जब टूटी तो वह अपने आप में भ्रष्टाचार को बयां करती हुई नजर आई। टूटी हुई दीवार के अंदर लोहे का एक भी सरिया नजर नहीं आ रहा है, जिससे यह साफ जाहिर है कि केवल सीमेंट और रेत की दीवार खड़ी करके पानी को रोकने की कोशिश की गई थी, जिसके कारण इस दीवार ने पानी के बहाव के सामने दम तोड़ दिया। कल मुझे देर रात में व्हाट्सएप में आई थी खबर इसकी कि जो हमारा अमृत सरोवर है पडरी ग्राम में जो काम चल रहा था तो उसमें कोई पुलिया मतलब स्ट्रक्चर थोड़ा सा उसका पानी का अत्यधिक बहाव कारण बह गया है, जो कि जुलाई 2022 का काम स्वीकृत था। ये लगभग 29,87,000 का काम है। ये इसमें जो बहा है जिसकी जानकारी है उसकी बहुत जल्द हम उनको संज्ञान में लेके उसकी संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जांच करवा रहे हैं। सर इसमें लगभग कितनी राशि निकाल ली गई है? लगभग लेबर पेमेंट 14 लाख के आसपास है और सामग्री का 6 लाख के आसपास पेमेंट होगा। सर ये राशि जब आवंटित की गई तो क्या उसका भौतिक सत्यापन किया गया संबंधित अधिकारी के द्वारा? जो भी मटेरियल पेमेंट वगैरह जो भी होती है वो संबंधित अधिकारी के सत्यापन के पश्चात ही भुगतान किया जाता है। तो कौन की अधिकारी उसमें है? इसका भौतिक सत्यापन भी किया जाता है सर की धरातल में इतना साफ हुआ है? नहीं, मेजरमेंट आता है उसका सत्यापन सब इंजीनियर मूल्यांकन सब इंजीनियर करता है, क्योंकि सत्यापन सब ए ही करते हैं और निरीक्षण भी करते हैं वो। ऐसा सर क्या ये आपके कार्यकाल का ही मामला था? नहीं, ये मेरे कार्यकाल के पहले का मामला है। इसमें तो अभी आपकी जानकारी में ये मामला कब आया? कल देर रात में ये आया था। हम पनागढ़ में एक गांव के पास अमृत सरोवर का स्ट्रक्चर टूटने का मामला सामने आया। हाँ, इसमें जानकारी ऐसी मिली है कि वहां पर जो अमृत सरोवर का काम अभी प्रगतिरत था तो वो पूर्ण नहीं हुआ था, बट अभी जिस तरह तक वो कंप्लीट था वहां पर उसका जो बंड है उसमें डैमेज हुआ है अभी वर्षा के टाइम में। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि प्रथमा दृष्टि कि बारिश से और जो आसपास से जो फ्लो हुआ है उसकी वजह से वहाँ पर वो डैमेज हुआ है, बट इसको वेरीफाई करने के लिए हमने जिले की स्तर से टीम गठित कर दी है और इसमें हमारी पीओ नरेगा और ईआरएस साहब है, विजिट करके वहाँ पर देख लेंगे और अगर गुणवत्ता विहीन कार्य की इसमें यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो इसमें नियमानुसार कार्रवाई कर लेंगे। सामने आया है कि काफी ग्रामीण और आसपास के लोग इसके बारे में देखो शिकायत कर चुके हैं, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो क्या प्रशासन की तरफ से कुछ कमी? हाँ बिल्कुल, अब इसको फिर से पुनः दिखवा ले रहे हैं, ऐसे संज्ञान में आया है कि इस प्रकार का भी मामला था, तो अभी जाएंगे फील्ड पे जिले से और वो पूरे सभी जो घटक है उसका परीक्षण करके हमको रिपोर्ट दे देंगे, उस हिसाब से इसमें हम पिकअप करेंगे। बिल्कुल, जो भी इसमें बिंदु निकल कर आ रहे हैं उसकी गहन जाँच हो जाएगी। अभी हम आपको अभी और जानकारी दे देंगे, अभी प्राप्त हो जाएगी। तो